नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। रीवा की सड़कों से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ले चलते हैं हम आपको स्पॉट पे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसी एक बार फिर से सड़क पर उतर आए। लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक गतिविधियां शून्य पड़ी हुई थी। जैसे ही छूट मिली, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो इंदौर में वायरल हो गया। कांग्रेसियों को मौके की तलाश थी, उन्होंने मौके को लपकने का भरपूर प्रयास करते हुए शिवराज सिंह के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। आइए आपको पहले सुनाते हैं वायरल वीडियो। ये सरकार की नीति है, ये बर्बाद कर देगी तब वहां कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ के और अब हो रहे चुनाव। ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? यह वायरल वीडियो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। कांग्रेसी मानकर चल रहे हैं वायरल वीडियो मुख्यमंत्री का ही है। इसी के चलते पूरे प्रदेश सहित रीवा में भी कांग्रेसी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। रीवा के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च करके पहुंच गए शहर के बीचों बीच स्थापित साई मंदिर में। यहां पर इन्होंने साई बाबा के चरणों पर ज्ञापन रखा, मांग कर डाली प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले षड्यंत्रकारी व गद्दार विधायकों को सबक सिखाने की, साथ ही प्रदेश की जनता को न्याय प्रदान करने के साथ भारत देश से कोरोना भगाने की। आप भी सुनिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को। एक ज्ञापन पत्र प्रभु के श्री चरणों में सौंपा है कि जिन बाई विधायकों ने पैसे के लोभ में जनता के साथ, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा दिया, उनकी जमानत जब्त हो जाए। और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम कल स्वीकार कर लिया कि यह केंद्र के अमित और मोदी के इशारे पे हमने यह सरकार सिंधिया जी और तुलसी जी ने मिलकर गिराई है। इससे बड़ा प्रमाण लोकतंत्र के इतिहास पे कुछ नहीं हो सकता। घमंडों में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज पूरा देश, अभी तक तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने खुद खरीद कहा कि हमने ताली ठोक के कहा, छाती ठोक के कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार गिराई है और विधायकों को खरीदा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक 2 के दूसरे चरण में अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।